स्पेशल टॉपिक डेमोन्स्ट्रेशन बाई पुलिस और आर्म फोर्सेस। यहाँ पर आज का टॉपिक ये है कि जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं या पुलिस फोर्सेस के लोग हैं, मेंबर ऑफ द पुलिस फोर्सेस और आर्म फोर्सेस, क्या उन्हें सारे फंडामेंटल राइट अवेलेबल हैं या कुछ रेस्ट्रिक्शन हैं उन पे? ओके, रेस्ट्रिक्शन हैं तो क्या हैं, रेस्ट्रिक्शन है तो कौन उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है? ओके, तो कोई भी आर्म फोर्सेस है या कोई भी पुलिस फोर्सेस है तो डिसिप्लिन के लिए, ड्यू टू डिसिप्लिन अमॉन्ग देम, इट इज़ नेसेसरी टू इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। ओके, ये नेसेसरी होता है कि उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए कि आप क्या क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। देखिए, सिटीजन्स को सारे फंडामेंटल राइट अवेलेबल हैं, कुछ फंडामेंटल राइट नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल हैं, और बीइंग ए आर्म फोर्सेस द मेंबर्स को, आर्म फोर्सेस के जो मेंबर हैं, पुलिस फोर्स के जो मेंबर हैं, उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं हैं, जो कि लॉ बनाने का जो पावर है वो पार्लियामेंट का पावर है उस पर लॉ बनाने का कोई भी। तो जैसे कि आप देखे होंगे कि 5 नवंबर को जो दिल्ली पुलिस ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया यहाँ पर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने, तो मैं इसका लीगल पॉइंट एनालिसिस कर रहा हूँ कि उनको क्या राइट्स था ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन देने का, या वो टोटली इलीगल था। ओके, तो फर्स्ट थिंग्स कि स्टार्ट हम कर रहे हैं सबसे पहले आर्टिकल 33 ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 33 क्या बोलता है? आर्टिकल 33 इम्पावर्स द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन बाय लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिटरमाइन बाय लॉ टू व्हाट एक्सटेंट फंडामेंटल राइट्स अप्लीकेबल टू। ओके, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा बाय लॉ कि कहाँ तक फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं कौन लोग, मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। फर्स्ट है मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, सेकंड पुलिस फोर्सेस, थर्ड इंटेलिजेंस सर्विसेज, जो भी मेंबर्स हैं वो इंटेलिजेंस, जो पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस सर्विसेज के जो लोग हैं वो भी इनमें इंक्लूडेड हैं, एंड फोर्थ है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप बाय फोर्स या ब्यूरो, जो भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो आर्म फोर्सेस सेटअप करती है या उनके इंटेलिजेंस विंग द्वारा सेटअप होते हैं, उनके जो भी मेंबर हैं जो एम्प्लॉयड बाय दैट फोर्सेस हैं, उनके बारे में भी पार्लियामेंट बाय लॉ के द्वारा कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है उन पे। ओके, तो इस पावर के अनुसार पार्लियामेंट ने क्या किया है, पुलिस फोर्स रेस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट्स एक्ट 1966 पास किया। पार्लियामेंट ने क्या पास किया, पुलिस फोर्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966। ये क्या बोलता है, इसमें एक छोटा सा एक्ट है, पार्लियामेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाया है किसी भी पुलिस फोर्स पे, कोई भी मेंबर्स हैं जो आर्म फोर्स के लोग हैं वो या पुलिस फोर्स के लोग हैं, कि आप किसी तरह के डेमोन्स्ट्रेशन में, किसी तरह के धरना प्रदर्शन में या किसी तरह के मीडिया बाइट देने के लिए रेस्ट्रिक्शन है उन पे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज देर इज अगेंस्ट द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन उनमें नहीं रहेगा अगर इस तरह की चीज़ें करें। तो फर्स्ट तो सेक्शन 3 क्या बोलता है कि सेक्शन 3, नो मेंबर ऑफ ए पुलिस फोर्स शैल विदाउट द एक्सप्रेस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेस्क्राइब ऑथोरिटी, कोई भी आर्म फोर्सेस या पुलिस फोर्स का मेंबर है वो
बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन के, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुमति के या किसी ऑथराइज ऑथोरिटी के अनुमति के वो क्या क्या नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 3 का जो क्लाउज ए है वो क्या बोलता है, बी ए मेंबर ऑफ और एसोसिएटेड इन एनी वे विथ एनी ट्रेड यूनियन, एनी ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, पॉलिटिकल एसोसिएशन और एनी क्लास ऑफ ट्रेड और पॉलिटिकल यूनियन एक्सेट्रा, किसी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता, ओके। ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, किसी तरह का कोई ट्रेड यूनियन नहीं बना सकता, कोई लेबर यूनियन नहीं बना सकता, कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं बना सकता, या किसी में पॉलिटिकल यूनियन है या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पार्टिसिपेशन भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसका क्लाउज बी क्या बोलता है, बी ए मेंबर ऑफ और बी एसोसिएटेड विथ एनी वे विथ एनी अदर सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ द फोर्स और विच ही इज ए मेंबर। अगर कोई एसोसिएशन है या सोसाइटी है उनके फोर्स द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है उसमें तो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, या इसका एक्सेप्शन भी है कि रिलीजियस और जो सोशल है, प्योर रिलीजियस कोई ऑर्गेनाइजेशन है या जो एक्टिविटीज़ है उसमें आप पार्टिसिपेशन कर सकते हो, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में या किसी तरह का कोई जो एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर आप नहीं हो सकते। एंड सी क्या बोलता है, कम्युनिकेट विथ द प्रेस और पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश्ड एनी बुक और अदर डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज और प्योरली लिटरेरी और आर्टिस्टिक साइंटिफिक करेक्टर। आप किसी तरह का कोई पब्लिश नहीं कर सकते, देखिए कोई एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, कोई प्रेस को आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप जाके मीडिया में बाइट नहीं दे सकते आप, ओके, ड्यू टू दैट एक्ट, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट ने प्रोहिबिटेड किया है, ये आपको परमिशन नहीं है कि आप किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ को आप मीडिया को कम्युनिकेट करें। हाँ, आप किस तरह की एक्टिविटीज़ को पब्लिश कर सकते हो, अगर वो साहित्यिक हो, मीन्स कि लिटरेरी हो, आर्ट से रिलेटेड हो, कोई आर्टिस्टिक हो या कोई साइंटिफिक करेक्टर का हो, पीछे मैंने बताया कि रिलीजियस करेक्टर की कोई भी एक्टिविटीज़ है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ओके। तो इस तरह की चीज़ों में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही आप प्रेस को कोई भी चीज़ कम्युनिकेट कर सकते हो और ना ही आप कोई प्रेस रिलीज कर सकते हो विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑथोरिटी, ओके। तो ये सैंक्शन है उन पे। अब देखिए इसका क्लाउज 2 क्या बोलता है, सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट एंड क्लाउज 3, सेक्शन 3 क्लाउज 2 क्या बोलता है, नो मेंबर ऑफ ए पुलिस फोर्स सेल पार्टिसिपेट इन और एड्रेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई भी मेंबर पुलिस फोर्स सेल पार्टिसिपेट इन एड्रेस इन एनी मीटिंग और टेक पार्ट इन एनी डेमोन्स्ट्रेशन, किसी भी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय एनी बॉडी ऑफ पर्सन, एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर एनी पॉलिटिकल पर्पसेस और अदर पर्पसेस, कोई भी पुलिस फोर्स का जो मेंबर है वो किसी भी धरना में नहीं जा सकता, धरना में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी पर्सन द्वारा या किसी भी पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज्ड हो, ओके। आप उसमें
पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 बोल रहा है। ओके, तो ये आपने देखा कि ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है ये सेक्शन क्लॉज 2 कि किसी भी धरना और किसी तरह का जो प्रदर्शन है या किसी तरह का कोई डेमोन्स्ट्रेशन है, चाहे किसी भी पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, किसी भी पर्सन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके, अब इसमें पेनाल्टी क्या है? अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो क्या पेनाल्टी है? इम्प्रिजनमेंट फॉर विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स और विथ फाइन ऑफ रुपीज 2000 एंड विथ बोथ। अगर आपने इसका वॉलेशन किया, कोई भी आर्म फोर्सेस ने अगर इस एक्ट का वॉलेशन किया, इस सेक्शन का वॉलेशन किया, तो उसको पेनल्टी क्या हो सकती है? 2 साल की सजा हो सकती है और 2000 रुपये का फाइन भी हो सकता है, और दोनों ही हो सकता है। अब यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ये पुलिस फोर्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, हाँ पुलिस फोर्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट को चैलेंज किया गया, मींस कि दिल्ली पुलिस नॉन गजटेड कर्मचारी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने नॉन गजटेड कर्मचारी संघ बनाया, तो बताया गया कि आर्म फोर्सेस रेस्ट्रिक्शन एक्ट जो है, जो पुलिस फोर्स रेस्ट्रिक्शन एक्ट है, उसका वॉलेशन है ये। ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस जो एक्ट है, रेस्ट्रिक्शन एक्ट है पुलिस पे, उसको सही ठहराया है। तो दिल्ली पुलिस नॉन गजटेड कर्मचारी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसमें 87 का हुआ, 1987 का मे बी, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है कि आप कोई भी यूनियन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस या कोई भी इस तरह का कोई भी सिस्टम आप नहीं बना सकते। ओके, ना ही आप किसी तरह का कोई डेमोन्स्ट्रेशन और इसमें पार्टिसिपेशन आप कर सकते हो। ठीक, ओके, दैट्स ऑल।